हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेडियो D3 क्लब या फिर ये कहें कि ड्रीम 11 D3 क्लब के सारे कॉन्टेस्ट और लीग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि एक कॉन्टेस्ट में या एक लीग में कितने लोग होंगे, विनिंग प्राइज क्या होगी, मतलब आपके मन में जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। क्या ड्रीम 11 की तरह इसमें भी स्मॉल लीग होगी, ग्रैंड लीग होगी? तो चलिए आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो में आपको कुछ वर्ड या सेंटेंसेज समझ में ना आए, तो आप मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं, क्योंकि रेडियो और ये D3 क्लब अभी नया एक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कुछ टर्म ऐसे मैं यूज करूंगा जो कि आप पहली बार सुनेंगे, तो उसको क्लियर करने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं D3 और रेडियो से रिलेटेड सारे वीडियोज बनाता हूँ और आप तक सारी जानकारी सबसे पहले पहुंचाता हूं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। अगर आपको D3 में लॉगिन में प्रॉब्लम हो रही है, पेमेंट क्या करने में, पेमेंट अगर आप कर रहे हो, प्लेयर कार्ड्स खरीद रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। A to Z शुरू से लेके अंत तक मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो चलिए अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ जाता हूँ और इसके कॉन्टेस्ट और लीग के बारे में आपको बताता हूँ। तो मैं मोबाइल की स्क्रीन में आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आने वाली ये लीग शो हो रही है कि 9 घंटे बाद एक मैच है। जस्ट 9 घंटे बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सेंट किटीज और ये जमैका का मैच है 9 घंटे बाद। यहाँ पे कॉन्टेस्ट जो अभी शो हो रहे हैं, केवल 3 ही कॉन्टेस्ट शो हो रहे हैं, कॉन्टेस्ट नहीं, 3 मैच शो हो रहे हैं आने वाले, उसके बाद इन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो जल्द ही D3 अपडेट कर देगा। तो चलिए इसके कॉन्टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, और ये मैच है। अब इसके कॉन्टेस्ट यहाँ पे लिखा है कितना, $3,000, और उसके बाद नीचे वाले में लिखा है $3,600। तो मैं नीचे वाले को तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि नीचे वाला मैच अभी बाद में है। अभी मैं पहले मैच जो है इस CPL का पहला मैच और रेडियो या D3 क्लब का भी पहला मैच ही है, क्योंकि इन्होंने अभी लॉन्च किया है। अब तीसरा मैच भी नीचे आप देख सकते हैं कि तीसरे मैच का भी कॉन्टेस्ट यहाँ पे सो हो रहा है। तो पहला मैच जो है, तो इसके कॉन्टेस्ट के बारे में, लीग के बारे में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, जो कि यहां पे लिखा है $3,600 और 685 कॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये क्या इतना सच में मिलेगा? तो चलिए मैं ओपन करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो इसमें क्लिक करने के बाद ऐसा ओपन हो गया। अब ऐसा ओपन होने के बाद इसमें 3 शो कर रहे हैं, एक ऊपर स्टार्टर है, दूसरा एक्सपर्ट है, तीसरा एलाइट। इन तीनों को मैं 1 by 1 बताऊंगा। तो अभी जो है ये स्टार्टर है, ओके। तो स्टार्टर में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? स्टार्टर मतलब स्मॉल लीग, स्मॉल लीग मतलब जो आपके स्मॉल कार्ड हैं, तो इसे खेलने के लिए आपको 3 ब्रॉन्ज कार्ड की ज़रूरत है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और 3 ब्रॉन्ज कार्ड अगर आपके पास है तो इस लीग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब ये स्मॉल लोग है। इसकी फर्स्ट प्राइस क्या है? $300, जैसा कि आप देख सकते हैं। $300 मतलब 23,839 रुपये फर्स्ट प्राइज मिलेगी, और इस कार्ड के द्वारा आप खेल सकते हैं। अभी $1 की प्राइस 79.47 रुपीज है। तो ये स्टार्टर कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्टेस्ट मतलब स्मॉल लीग हो गई। अभी एक्सपर्ट और एलाइट मतलब 3 तरह के कॉन्टेस्ट यहां पर आपको मिलेंगे, और तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं एक्सपर्ट की ओर चलता हूं, जो कि दूसरा कॉन्टेस्ट है, और उसमें चढ़ के आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इसमें क्या क्या कंडीशन है। तो मैं एक्सपर्ट में आ गया। एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट में आने के बाद मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये क्या है। मिडिल वाला कॉन्टेस्ट है, सबसे छोटा है स्टार्टर, उसके बाद जो मिनी लीग है बोल सकते हैं, मिड वाली लीग है वो एक्सपर्ट है, और सबसे ग्रैंड लीग जो है वो एलाइट है। तो ये एक्सपर्ट लीग में आप खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सिल्वर कार्ड, एक गोल्ड कार्ड, और उसके बाद आपके पास अगर ब्लैक कार्ड जो सबसे अधिक है उसके द्वारा भी खेल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि कम से कम आपके पास एक सिल्वर कार्ड, एक गोल्ड कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास एक ब्रॉन्ज कार्ड भी है तो ज्वाइन कर सकते हैं इसे, ओके। तो कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें कितना विनिंग प्राइज मिलेगा। फर्स्ट प्राइज आप देख सकते हैं कितना है इसका, $400, मतलब 31,786 रुपीज मिलेगा। तो
इसकी फर्स्ट प्राइज ये है। लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट में लास्ट वाले को क्या मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, ब्रोंज कार्ड। तो इन्होंने ये लीग बना रखी है और लीग में इन्होंने ये नहीं दे रखा है कि कितने लोग शामिल होंगे। अभी तक इन लोगों ने ये नहीं बताया है कि इस लीग में, एक लीग में कितने लोग ज्वाइन होंगे। जितने भी कॉन्टेस्टेंट के स्टार्टर, एक्सपर्ट, एलाइट, जैसा कि एलाइट तीसरा आने वाला है, तो एलाइट में ज्वाइन करने के लिए आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक कार्ड, एक गोल्ड कार्ड, एक सिल्वर कार्ड, ये तीन होंगे तभी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा एलाइट में क्या है, मतलब ग्रैंड लीग जैसे है और इसमें प्राइज ज्यादा है, बट इनमें पब्लिक कम होगी, कम होती है, जैसा कि रेरी ने बताया था। बट अभी तक इन्होंने ये नहीं शो किया है कि कितने पब्लिक इसमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी लीग में, मतलब अनलिमिटेड ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये जल्द ही अपडेट करेंगे। और इसकी फर्स्ट प्राइज आप देख सकते हैं $500, मतलब 39,773 रुपीज आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। और हो सकता है रेडियो जल्द ही अपडेट करे, जैसे कि शुरू में ड्रीम इलेवन ने अपनी स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है शुरू से, क्योंकि मैं शुरू से खेलता आ रहा हूं, तो वैसे ये भी अपडेट करेगा और फर्स्ट प्राइज भी अपडेट करेगा जल्दी से और लीग में भी अपडेट करेगा। लेकिन और कॉन्टेस्ट में कितने लोग होंगे ये भी ये अपडेट करेगा जल्द ही। अभी फर्स्ट मैच है और फर्स्ट मैच ड्रीम इलेवन का अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि बहुत ही बैड कंडीशन थी ड्रीम इलेवन की जब स्टार्टिंग में किया था, लेकिन ऐसे ये भी कर रहा है। अगर इसमें आप ज्वाइन करते जाओगे तो ये D3 क्लब भी अपडेट करेगा और इनका जल्दी ही एक एप्लीकेशन आने वाला है और एप्लीकेशन लॉन्च होते ही आप ड्रीम इलेवन जैसे वहां पर ज्वाइन कर सकोगे। लेकिन इसमें टोटल तीन तरह के कॉन्टेस्ट होंगे, एक स्टार्टर, एक्सपर्ट, एलाइट। एलाइट को आप ग्रैंड लीग समझ लो क्योंकि इसमें प्राइस ज़्यादा है। इसका ऊपर कॉन्सेप्ट, आप तीन कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे होंगे, देखो सबसे ऊपर जिसका मेनू है आप देख सकते हैं, आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम है, जैसा कि आप क्लिक करोगे ना तो आपको पॉइंट सिस्टम दिखेगा। वो तीनों में से बीच वाला पॉइंट सिस्टम था और लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, स्कोर और लाइनअप के लिए, और सबसे राइट वाला होम है। ये हाँ, ये वाला क्या है, ये वाला स्कोर एंड लाइनअप जब अनाउंस होगी जैसा कि ड्रीम इलेवन में, तो आपको शो करेगा ये यहाँ पे, और बीच वाला पॉइंट है और लास्ट वाला होम। तो मैंने होम को क्लिक कर दिया और मैं होम पे पहुंच गया हूं। तो इनका कुछ ये इंटरफेस था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, इनका मेनू वगैरह अभी एक्सप्लेन किया। होम को क्लिक करते ही आपके पास मार्केट प्लेस आ जाएगा और यहां पर आप खरीद सकते हैं जो भी प्लेयर चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पैक खरीद लें, क्योंकि पैक में आपको लेकिन आप पैक में चूज नहीं कर सकते, पैक में रेंडमली आपको प्लेयर मिल जाएंगे। तो अगर आपको चूजन प्लेयर चाहिए तो आप मार्केट प्लेस में आके खरीद सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।